कुछ नहीं किस एग्जाम में हम लोग SSC पढ़ रहे हैं आप सिर्फ, पर जितनी इकोनॉमिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा SSC के अंदर ही। देखो बेटा एक चीज याद रखना, आपस में मत बात करना, ठीक है ना। मुझे आपस में सिर्फ दो ही लोग बात करते हुए अच्छे लगते हैं, जो मतलब दो अलग अलग लोग बैठे हुए, तो मैं समझ सकता हूँ उनकी मजबूरी है। कहाँ जाएं, घर से बोल के आए, कोचिंग में भी बात नहीं करने दे रहे टीचर, तो मैं उनको छूट दे देता हूँ। दो लौंडे बात कर रहे, समझ में नहीं आता क्योंकि लौंडे लपाटे में कोई बात होती नहीं है। दो लड़कियां बात कर रही है, मैं झेल जाऊंगा क्योंकि इनकी बात नहीं। पेरेंट्स कहां से लाई थी यार, तुम्हारी कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा कोई मोटो नहीं है इन सभी चीजों में, ठीक है। नहीं सच बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वही बताऊ। हम नहीं पूछते कि भाई शर्ट कहां से लाए, उसकी भी गंदी तुम्हारी भी गंदी, चल हम बोरी से निकाल के पहनते हैं ना। देखो SSC यहां जितनी इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगा आपको, SSC CDS और इवन मैं ये कह सकता हूं 6 से 7 क्वेश्चन आप किसके अटेम्प्ट कर लोगे, ना कर लो तो पढ़ाना छोड़ सकता हूं। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। यूपीएससी का भी पेपर उठाओगे, इकोनॉमिक्स का चंक उठाओगे, देन यू कैन से कि भैया आ रहा है बिल्कुल क्लियरली दिमाग में, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता नहीं, चीजें समझाने पर ध्यान देता हूँ। रटने अगर आए हो और उम्मीद लगा के बैठो कि मैं मगअप करा दूंगा कुछ, तो भैया ना मुझे खुद याद होता है ना मैं तुम्हें याद करा सकता। मैं तुम्हें जिंदा एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है, जिंदा जिंदा समझना। देखो कई बार मेरे जोक्स, क्योंकि मैं कई बार कई बच्चों को बुरा लग जाता है, उन्हें बेइज्जती फील हो जाती है, अरे सर जी हमें बोल दिया। सुनो तो सही, मैं बोल रहा बुरा नहीं, पूरे टाइम ना 1.5 घंटे बैठ कर रहेगा भाई। देख मैं पढ़ा सरकारी स्कूल से, और मैं जब पढ़ा था तो दरी पे पढ़ा था, हमारे में दरी में लपेट के लात बजाते थे, समझ ना। मतलब बाद में मेरी एजुकेशन थोड़ी और बड़ी, हायर एजुकेशन करी है मैंने, बहुत सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है मैंने, ठीक है। हाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा हूँ, अभी छोड़ दिया, पापा एक्सपायर हो गए पिछले सेकंड मंथ चल रहा है तो छोड़ना पड़ा। नेट GRF क्वालिफाई हूँ 2 सब्जेक्ट्स के अंदर, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी के अंदर, 3 सब्जेक्ट में मास्टर्स है। एक चीज होती है CA फाइनल, किसी ने सुना हो तो वो छोड़ दी क्योंकि किसी ने मुझे छोड़ दिया था, तो वो सब चल रहा था। नहीं जो तुम लोग कर रहे हो, देखो जो जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, जो तुम लोग वैसा वाला भी काम कर रहे हो, वो सारे भी सब्जेक्ट पूरे पड़े हुए हैं, उसमें भी कोई दिक्कत हो हाँ यू जस्ट कैन टेक एडवाइस, मैं बताऊंगा कैसे टैंगल करना है। रोना नहीं है, कर दो ध्यान दो प्लीज। SSC रुलाने वाले गंदे हैं, ये भी नहीं करना, कह रहे हम रोते भी रुलाते हैं। और मुझे सुनाई जाती है बहुत छोटी छोटी बातें, ये तो बहुत कम बच्चे बैठे, 1400 बच्चों में भी आवाज सुनाई जाती है। SSC CDS UPSC इसके अंदर भी आपका जो इकोनॉमिक्स का चंक आएगा आप कर लोगे। अब इकोनॉमिक्स थोड़ी सी नॉटी हो गई है, पहले ना सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते थे कि एडम स्मिथ कौन है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेते थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, आ रहे हैं अभी भी आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है नहीं आते। बट क्वेश्चन में क्या करा गया, अब क्वेश्चन को मॉडिफाई करा गया, और क्वेश्चन के मॉडिफिकेशन में जोड़ दिया गया क्या, क्या करंट अफेयर में जोड़ा गया, ये भी समझ लो। अब ऐसा नहीं है कि जाके मिंट चाटने लगो, मिंट न्यूज़पेपर का नाम होता है जिन लोगों को, वो मिंट की गोली समझ लोगे, ठीक है। तो मिंट ना चाटने लगो, क्यों, क्योंकि वहां जो करंट अफेयर पूछा जाता है, बेटा आप किस चीज का सेवन कर रहे हो, जैसे च्युइंगम कह रहे हैं, है ना, तो आपके हो टाइम ही हिलते रहेंगे और मैं डिस्टर्ब होता रहूंगा। तो दो काम कर सकते हैं, या तो पेपर में फाड़ के रख लो, तो करंट अफेयर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा रहा है, पूछा है इकोनॉमी सर्वे कौन रिलीज करता है, पूछ लेगा कि बहुत सारी अलग अलग क्या कर रही हैं, वेबसाइट जो है अलग अलग तरीके से क्या करती है, अपना GDP की रेटिंग जारी करती है, तो पूछ लेता है मूडी का रेटिंग क्या है, ठीक है। जितने मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, जब भी मैं बोलूंगा ना ये वाला आएगा, तो 98% चांस है आपको पेपर में दिखेगा, कहां दिखेगा वो आप देखो, क्लियर है बात यहां पर। अच्छा
तो मैं ये मान के चलता हूँ तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स किसी ने पढ़ी है पहले जीवन में? रेज योर हैंड। बहुत मजा आएगा बिल्कुल। देखो मैं मिथ तोड़ने में सबसे पहले मजा आता है ना कि जो तुमने पढ़ी गलत है। देखो कोरा बोर्ड है उस पर लिखने में तो कुछ भी लिख दो, आधे क्या बना, जिसने गलत पढ़ा है उसको पहले सही पढ़ाना होता है ना। देखो सबसे पहले देखो वर्ड है, ऐसे बिल्कुल मुंह बना के नहीं बोलना है। हाँ बिल्कुल एडम स्मिथ हो रहे हो। इकोनॉमिक्स है क्या? धन का विज्ञान है, ये मत बोलना, ये नहीं सुनना है। इसके इकोनॉमिक्स सिवा कुछ बताओ। एक इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? इकोनॉमी क्या वो नहीं बताया। किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? अच्छा अगर मान लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ा रहे तो वो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है भाई साहब, कह रहे हैं हम तो वही मांग रहे हैं। तो फिर वो दो वाली बातें गलत है, ये वाली बात है। तो स्कूल आ गए तो उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला है, तो भ्रूण हत्या को लिए जो काम कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। मना तो करो, हाँ ना कहीं भी जोड़ोगे वो भी है। क्या खेल रहा है? बेटी पढ़ा वाला तो है, भ्रूण हत्या वाला नहीं पता। भ्रूण हत्या बेसिकली बेबी बॉर्न होने से पहले उसका जेंडर पता कर लेते हैं एंड देन उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं कि तुम्हें तो का चाहिए छोड़ो चाहिए, है ना गलत है? देखो इकोनॉमिक्स क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से बोलना, सिंपल वर्ड में बोले तो इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्ट विच स्टडी इकोनॉमिकल। कभी पेट में गुड़गुड़ हुई है? वो वाला काम नहीं कि पियाजी को बोला वो कैंपा कोला ले आए, वैसे अभी इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं समझा रहा मैं तो, बता रहा हूँ कभी पेट में गुड़गुड़ हुई है तो पूछा कुछ रहा है, तू बता कुछ रहा है, हुई है? अच्छा तो कहाँ जाता है डॉक्टर में, पर्टिकुलर किस डॉक्टर के पास? डॉक्टर अच्छा हो क्या रहा है, हड्डी वाले के पास चला जाता, वो अच्छा है, वो पेट में जाके निकाल देगा तो खींच के। किसके पास जाओगे? अरे गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना, जिसको आपके पेट के बारे में पता होगा, आपके दांत में दर्द होगा तो एमबीबीएस क्या ढूंढ लोगे, फिजिशियन ढूंढ लोगे, डेंटिस्ट के पास जाओगे ना। उसी तरीके से जब अपन को क्या प्रॉब्लम होती है तो अपन किसके पास जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट को देखते हैं खोल के? इकोनॉमिक्स को देखते हैं। बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट, ये छपाई वाले रुक जाए भैया, दीदी मैं बोर्ड छीन के भागूंगा नहीं, ऐसा नहीं बिता दूंगा, ऐसा कैसे लिखा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ध्यान दो प्लीज, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। तब क्वेश्चन, भाई आपस में क्यों बातें कर रहे हो, बोल दिया एक मुआ नहीं दिया बेचारा, गुस्सा हो जाना है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ध्यान से दो प्लीज, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या है, जहां पे क्या आता है बच्चा, प्रॉब्लम ऑफ क्या, चॉइसेस। हाँ हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, थोड़ी है, बहुत ज्यादा खराब है। क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस? देखो आपकी लाइफ में ना सारी दिक्कत ही चॉइसेस की। इधर सर ने बोला संडे को आना है, क्लास बोली उन्होंने यार, उन्होंने बोला संडे को आना है, तुमने किसी को बोला था अपन को कहीं, अब दोनों के बीच में क्या हुआ, चॉइसेस है, क्राइसिस नहीं, चॉइसेस है। उस चॉइसेस में जब मनी इन्वॉल्व हो जाए तो वही क्या कहलाएगी, अब इकोनॉमिकल टर्म पे और समझते हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, पूछा गया था कि अर्थशास्त्र क्या है, तो हिंदी में अपन ने बोला कि भैया अर्थशास्त्र क्या है, चयन की समस्या, चुनने की समस्या। अब चुनना वाले पार्ट क्लियर हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में नमक को लेके लड़ाई होती है, नहीं मम्मी मैं 3 चम्मच खाऊंगा, आपके घर में 3 चम्मच खाऊंगा, अरे ज्यादा के लिए नहीं बोल रहे, तुम बोल रहे कि डिब्बे में नहीं पास रहना चाहिए, ऐसे कैसे कोई और खा लेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना, प्लीज ऐसा हो रहा है तो विचित्रता है ये, ठीक है। चैन की समस्या उन्हीं चीजों के साथ होती है जिसके अल्टरनेटिव यूज होते हैं, जिस चीज का अल्टरनेटिव यूज नहीं होगा उसके साथ कभी भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं है। आपके टाइम के साथ क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि यू हैव अ डाइवर्सिफिकेशन, आपके पास डिस्ट्रेक्शन के सोर्सेज हैं। अब मान लो आपके पापा ने आपको कमरे में बंद कर दिया किताबों के साथ, ठीक है, और नीचे पानी बिखेर दिया, सो तुम सकते नहीं, बच्चा क्या बिछा के बेटा बाप है वो फिर वो गेट खोलेगा और बुके बिछी हुई नहीं ना तो बिछा देगा। हमारे यूपी के पापा है वो बोलते नहीं कूटते हैं। देखो चयन की समस्या पे ध्यान दो, तो क्यों आए चयन की समस्या लल्ला, क्योंकि तीन चीजें हैं। पहली बात तो ध्यान दो प्लीज, पहली बात तो इसके अंदर आपको मिलता है क्या कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं क्या है हमारे पास, वो सारे के सारे क्या है, लिमिटेड इन, क्या किसी के पास यहाँ बैठा हुआ कोई भी रिसोर्सेज उसके पास है वो अनलिमिटेड है, कुछ भी नहीं है, आपके पास टाइम भी क्या है 24 घंटे ही मिलते हैं, है ना, एक तो लिमिटेड है, दूसरा ये लिमिटेड होने के साथ साथ क्या है अल्टरनेटिव वैकल्पिक प्रयोग। जैसे मैं इसका बेस्ट एग्जांपल समझाता हूँ, एक बच्चा 10 रुपए लेकर के तुरतुरे खरीदने चला गया, छोटा बच्चा 10 रुपए क्या है, अब जैसे ही वो दुकान पर पहुंचा उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी और भी वैरायटी पड़ी है, अब वो क्या कर रहा है प्रॉब्लम में कि क्या खरीदूं और क्या, क्योंकि उस 10 रुपए से क्या कर सकता है, वो बहुत सारी कोई भी एक चीज खरीद सकता है, तो उसको चूज करना पड़ रहा है। और ये आ क्यों रही है, ये अल्टरनेटिव यूज की वजह से चॉइसेस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारी नीड और डिजायर क्या है बच्चों, नीड और डिजायर क्या है अनलिमिटेड, ज्यादा से तो तब भी हम मिला लेंगे, क्या है अनलिमिटेड। जैसे मैं बताता हूँ, जो मॉडल आपके पास है फोन का और वैसा वाला भी जो मॉडल आपके पास है, राजीव चौक पे जाते ही कंफ्यूजन हो जाती है सही लिया था, जिसको जोक समझ लेना है कोई बात नहीं, वही जाते क्या हो जाती है आपको कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज आपके पास नए ब्रांड का फोन दिख रहा है ना मार्केट में है। उसी तरीके से देखो प्लीज, नीड और डिजायर में क्या फर्क होता है बच्चों, नीड मतलब चाहिए चाहिए, नीड मतलब चाहिए, और डिजायर मतलब मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम में से कोई गोलगप्पे के नशे करता है, हाँ तो मान लो 2-1.5 साल को वेट लगा हुआ था, तो उसमें ऐसा होता था कि तलब लगती थी, मम्मी उठा के रोकती थी, बेटा जाए नहीं तू जा मत, तुम गोलगप्पे वाले पास भक्ति चली जाती थी, देखो मैं आ गई, ऐसा नहीं होना, क्योंकि वो क्या नहीं है आपकी नीड जो होगी वो चाहिए ही, ठीक है बेटा क्या चाहते हो आप, मैं थोड़ा सा आपकी दोनों से पूछ रहा हूँ क्यों बातें कर रहा हूँ, हाँ बेटा यार अब तुमने जिंदा आंखों के सामने झूठ बोल दिया, कुछ भी नहीं बोला, किससे बोला, नहीं मैं किसी से क्यों पूछूं यार, ये करेंगे हम, पता तुमको दुनिया के सबसे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना वो पीछे बैठते हैं, उसके पीछे कारण बता दूंगा तुम्हें, इनमें बुद्धि होती है ज्यादा, तुम्हें 5 ग्राम इनमें 10 ग्राम, और जिसमें बुद्धि ज्यादा होती है शरारत भी वही ज्यादा करता है, क्योंकि ठप बद्दा तो ठप है, वो शरारत नहीं सोच पाता है, कह रहा मैं कल से पीछे बैठू, ध्यान दो नीड और डिजायर। देखो तो नीड आपकी क्या है लिमिटेड होती है नेचर, और डिजायर आपकी चाहे आप आसाराम बापू ही क्यों ना बन जाओ, ठीक है, दंडन सदगुरु का नाम सुना ना, वो डिजायर की वजह से जेल में है, ठीक है, अरे पैसा तो इकोनॉमिक्स के अंदर प्लीज ध्यान देना, इकोनॉमिक्स के पापा कहे जाते हैं कौन, एडम अंकल, कौन आपके, एडम स्मिथ, अच्छा इसका भी
एडम स्मिथ। देखो एडम स्मिथ ने इन्हें क्यों कहा गया वो भी समझ लो। एडम स्मिथ को इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने किताब लिखी 1776 में, क्या नाम था अब नहीं पता होगा ना, ये तो ज्यादा हो गया, द वेल्थ ऑफ द। इस बुक के पब्लिश होने के बाद जर्नल पब्लिक को पता चला कि भैया इकोनॉमिक्स है। अब कुछ लोगों के माइंड में डिस्प्यूट चलता है, सर जी ऐसे कैसे कौटिल्य को कहते हैं, तो कौटिल्य पेटेंट नहीं करवा पाए ना, और ये जो थे ये तो अंग्रेजों के पास सिर्फ एक ही काम अच्छा हुआ कि उन्हें पता था कि क्या रोक लेना अपने पास। ठीक है, आपको पता है जो आप गाना गाते हो ना हैप्पी बर्थडे टू यू, ये भी पेटेंट है गाना, बहुत पैसा कमाया था। पेटेंट होगा तो पैसा तो कमा ही रहा होगा बेटा। जिस दिन डीजे पे बजाना और जिस दिन पता चल जाएगा जिसको, उस दिन पता चल जाएगा ऑफिशियल पार्टी जो बढ़िया डीजे वाले होते हैं ना, ये अपना वाला नहीं चिंटू डीजे वाला हाँ इसको नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रोफेशनल डीजे वाले होते हैं वो गाने को खरीदते हैं अब प्ले करने के लिए, ध्यान दो। तो 1776 में बुक आई द वेल्थ ऑफ द नेशन, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा जी छापो फिर, जिसमें तुम्हारा महारत हासिल है वो करो। हाँ फोटो लेना तो बेस्ट है पर बाद में लिख लेना, तो ये हैंडराइटिंग बाद में समझ में नहीं आई कैसे हुआ हादसा। किसने किसने कहा बताओ, फोन दिखाओ। बेटा तू तो और रजनीकांत लिख रहा है ये मैंने रजनीकांत लिखा। अच्छा कैसे बेटा, तू कैसे गिरा सामने लड़की आ रही है इन लड़कियों में भी एक कैटेगरी है ना। सर ये क्या लिखा है आपने, रिसोर्सेज लिखा है, रिसोर्सेज लिमिटेड इन नेचर, और सेकंड वाला क्या लिखा अल्टरनेटिव, ये तो दिख रहा है जिंदा इसमें तो मैं डाउट कर सकता हूँ, ये तो दिख रहा है। चले बच्चों हाँ तभी वो लिमिटेड यूज हुए ना, अगर मान लो एक ही बार यूज हो रहा है, एक बार भी यूज हो रहा है तो वो लिमिटेड स्टॉक में, तभी तो एक बार यूज हो रहा है, दोबारा यूज ही नहीं हो सकता। जिसने भी अंतरराष्ट्रीय दिमाग लगाया गजब का लगा दिया। मैं 1.5 लाख का इक्विपमेंट लेके बैठा हूँ तब भी इतनी क्लियरिटी नहीं पा रहा हूँ बोर्ड पे। और मेरी हैंडराइटिंग इतनी क्लियर दिख रही है, ये भरोसा नहीं हो रहा मुझे। चले चले आगे बढ़े। हे गुड सर, देखो बच्चों सारी बात सब कुछ अच्छा है, मुझे तो सर की एक बात बहुत अच्छी लगी, वो बात पता है क्या है कि उन्होंने बोला ना आप सिलेक्शन लेने आए हो, मैं तुम्हें सच बताऊं जो तुम्हारे बगल में दोस्त बैठा है ना वो तुम्हें जब तक अच्छा लग रहा है क्योंकि जब तक वो तुम्हारे बराबर नहीं। जिस दिन उसने आके बोला ना भाई तेरा भाई पार्टी तेरा, बोला क्यों ऐसा ही निकल गया तुम पार्टी खाओगे अंदर से, पता कैसे इसे तो कुछ नहीं आता था, मैं पर सर क्या समझा रहा था इसे इस बात पे आ रहा बस। ठीक है मजे वजे सब कुछ अच्छा भाई, बाइक पे घूमो सब कुछ घूमो, पर डिसाइड कर लो अगर 7 घंटे पढ़ने ना तो 7 घंटे पढ़ने के बाद मैं कह रहा हूँ बाइक सर पे लेके घूमू कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर मैं तो बोल ही नहीं रहा था, मेरी तो आत्मा ही प्यासी बोल रही थी। चले आगे मैंने भी बताया उसे आपको अपने इंट्रोडक्शन में, क्या मुझे पढ़ाते हुए 7 साल हो गए, पढ़ा मैं जबकि 8th क्लास से रहा हूँ, तो पढ़ाने के मामले में एक चीज में मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है कि किसको किस तरीके से रोकना है। फिर भी इस क्लास में तो लड़कियों की संख्या बहुत कम है,
नॉर्मली लड़के फालतू पता क्या बोलते हैं, देख रही है हम भी ऐसे ही थे ना ध्यान मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, चौथे घंटे की क्लास लेता हूँ डेली, तब भी मैं ऐसे रहता हूँ फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लास तक, क्योंकि पढ़ाने के पढ़ाता इसलिए नहीं कि मुझे पैसे कमाने हैं, पढ़ाता इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ाना है। मैं वो वाला टीचर नहीं बना कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, फिर तैयारी में कुछ नहीं हुआ तो फिर टीचर बन गए, नहीं नहीं मैं टीचर बनने के लिए ही पैदा हुआ था, जब निकला तो बोला ये टीचर है। ठीक है, जान दो प्लीज, जान दो। पॉइंट आता है कि अभी अपन ने पढ़ा क्या, नहीं हमने और पढ़ा क्या, यहाँ पे कितने बच्चे हिंदी माध्यम के, मातृभाषा जिनकी हिंदी है, आर्थिक समस्या, वैसे इतने टर्मोलॉजी में तो इश्यू होगा नहीं, अगर इतने में हो रहा है तो तुम्हारा वो 200 नंबर का पेपर नहीं होगा जिसको इंग्लिश कहते हैं। कहीं जटिल चीजों में फंस जाओ बात रहे, अन्यथा मैं आपको हिंदी में पूर्ण रूप से पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आपके जो मस्तिष्क है उसकी नशे को पे प्रभाव पड़ेगा। The nerve cell of your brain gonna be damaged. ध्यान दो प्लीज, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम प्लीज ध्यान दो, अगर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो दोनों लोगों को हो सकती है, पूरी कंट्री को भी और इंडिविजुअल को भी, मान लो भाई तेरी शादी नहीं हो रही तेरी प्रॉब्लम है, अरे मान ले तेरी प्रॉब्लम है, हाइपोथेटिकल ज्यादा ले क्या मैं करनी नहीं करा कौन रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मान ले तेरी शादी नहीं हो रही है तो ये तेरी प्रॉब्लम है ना, यस और नो, भाई सबकी नहीं हो रही, सारे डांडे डांडे घूम रहे, डांडो का मतलब होता है खड़ा, कहीं कोई गलत वर्ड में होता है और वो अलग होता है, जिसने बोला मैंने बोला मैं बहुत तेज सुनाया जाता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या है बच्चा, अगर इंडिविजुअल लेवल पर हो रही है तो क्या हो गया, ऐसी क्या हो गया, इंडिविजुअल लेवल पर है तो उसे पढ़ने वाली इकोनॉमिक्स को क्या बोलेंगे, छोटी इकोनॉमिक्स होगी ना तो उसे बोलेंगे क्या लल्ला, माइक्रो, इसी के ऊपर एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कंसीडर इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, दे गिवन द आइटम्स, और उसका क्वेश्चन पूछा गया था कि किसको हम किसमें कंसीडर करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में रखेंगे, अभी अभी इतना ध्यान रखो, अभी समझाता हूँ, जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम पे ध्यान दो, इंडिविजुअल प्रॉब्लम को पढ़ रहा है वो क्या कहलाएगा लल्ला, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, या इसे बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र हिंदी अनुवाद, ठीक है। अच्छा दूसरी तरह किसी का बज रहा है भैया, इंडिविजुअल के बाद दूसरा आता है जो पूरी की पूरी क्या कर रही है आपकी, कंट्री फेस कर रही है, ठीक है प्रॉब्लम है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, मैक्रो। देखो लल्ला यहाँ पर जान दो, एक क्वेश्चन आया था 2006 में, नहीं मैं ऐसे हवा में नहीं बोलना, क्वेश्चन अब आया था, अब आया था, अब आया था, जाके आप पेपर चेक कर लेना कोई सा भी, लगभग लगभग मैंने इंडिया के अंदर तो शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होता है जिस एग्जाम का पेपर मैं रोज चेक नहीं करता हूँ कि उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेरे पास अपने खुद के कलेक्ट किए हुए इको इको के लगभग 10,000 क्वेश्चन है, तो आप बेफिक्र रहो कि कोई क्वेश्चन बोर्ड से बाहर आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, पेपर में अगर क्वेश्चन बाहर से आया मैं पढ़ाना छोड़ सकता हूँ, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, मैं जीएस के अंदर बोल रहा हूँ बात आपको, मैं पूरी जीएस में अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो 25 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन अभी के पेपर में आ रहे हैं जिसमें जनरल साइंस नहीं आती मुझे, वो बहुत जनरल है, ध्यान दो। माइक्रो मैक्रो वर्ड क्लियर सभी को, अब देखो एक कंपनी सुनी आप लोगों ने, बेटा लिख रहा है लल्ला रुक जाओ, नाम सुना है क्या है, किसको मजा, ये पता है कहाँ क्वेश्चन आता है, किसको का एक क्वेश्चन बनता है 5 ईयर प्लान से कि किसके टाइम पर आई थी, बेटा बिहार पे नहीं, झारखंड पे नहीं, जमशेदपुर उसमें है,
जमशेद नगर में, इसीलिए टाटा स्टील को स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। तुम तो ज्योग्राफी में खराब है। मैं दारू की तो बात कर ही नहीं था। 18 साल से ज्योग्राफी का क्या लेन देना है, जिसने भी बोला है। टिस्को पे ध्यान दो बच्चों। अब टिस्को की स्टडी करना, हेलो, टिस्को की स्टडी करना किधर आएगा? कर दी बेची थी बड़ा गोबर खत्म। क्या है ये? इंडिविजुअल ही तो है, एक ही कंपनी तो है। एक कंपनी पूरी स्टील को थोड़ी ना खत्म कर देगी। मतलब रतन टाटा मर जाए, कंपनी डूब जाए, स्टील बनाना बंद कर देंगे हम लोग? बोले नहीं, हम तो जब भी बनाएंगे टाटा के अपना बनाएंगे। ऐसे कैसे मान लें कि सच में मर गए? टिस्को ध्यान दो प्लीज। टिस्को जो, टिस्को की स्टडी करना है। किसमें आएगा लल्ला? अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं अपन किसकी, देखो तुम लोग की फेवरेट, देखो रिलेट कर पा रहे हो मुझे, देख लो अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो। देखो ये किसमें आएगा लल्ला? एक और देखे, लिखने तो दे। मैक्रो, मैक्रो क्या है आपका? बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम नहीं है तेरे पास, नहीं है प्रॉब्लम है। नेशनल इनकम प्रॉब्लम ही तो है ना, अगर वो नहीं आ रही थी तो प्रॉब्लम क्या कर रहा है? इंक्रीज नहीं हो रही तो मैं क्लास सोच रहा हूँ कि लाइट चले, नहीं मैं क्लास वैसे भी चला सकता हूँ बिल्कुल, मैं की तरफ तुम बैठे लास्ट की तरह मैं पढ़ाता रहा हूँ। डोंट वरी एट ऑल, तुम डिसाइड करोगे। अगर तुम में वो जोक सुनने और पढ़ने की कैपेसिटी नहीं, हंसी मजाक वाला, तुम बिल्कुल फैल गए रहते की तरफ, समझना पड़ रहा है। तो फिर मैं जोक को और आपको कॉन्सेप्चुअल उतना ही समझाऊंगा जितना मेरे को समझाना है। मैं आपको एग्जांपल्स और इस वे में इस तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली इकोनॉमिक्स सबके पल्ले पड़ती नहीं है, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स। आप जब पढ़ोगे तब ना, और देखो अपना मानना अलग है, बच्चे गंदे नहीं होते, टीचर गंदा होता है। तो सच्चाई बताओ, वो टीचर ही क्या जो फॉल इन लव ना करवा पाए सब्जेक्ट से, वो तो उसकी कला खराब हो गई ना। बस मुझे ना एक ही चीज नहीं पसंद है, तुम फैल हो मत कि मैं एक मजाक, क्या हुआ, क्या बात है, आप तो हो गया। कॉन्सेप्ट में ध्यान रखो, क्योंकि टेस्ट ले तो सारे मजाक निकाल दूंगा। अच्छा वाह क्या बात है, वाह वाह वाह, कच्चा बदाम देख रहे हो बेटा, लॉजिकल बातें नहीं हो रही बिल्कुल भी। याद है सभी को, क्लियर है? अच्छा ये माइक्रो और मैक्रो वर्ड जो है वो दिया किसने? रेंगर फ्रिंज ने। किसने? रेंगर फ्रिंज। ये स्कॉटलैंड के थे, इन्होंने 1935 और मे बी 33, एग्जैक्टली डेट भी याद नहीं आ रही, तो 35 और 33 में से कोई डेट है, इन्होंने इसको दिया है। और इसके ऊपर एग्जैक्ट क्वेश्चन 2006 में आया था, सस्ती सीजन में पूछा गया था, 2006 में भी आया, और अभी मैंने इसको सीएचएसएल में देखा था क्वेश्चन को। ठीक है, पूछा गया था कि ये माइक्रो मैक्रो वर्ड किसने कॉइंड करा है। ठीक है, हमें नहीं पता था कॉइंड मतलब बनाना होता है। थैंक यू यार एनालाइज करने के लिए, बुद्ध का ज्ञान मिल गया मुझे तो। अब जिंदगी सफल हो गई, बहुत खत्म हो गई लाइफ यार। क्लियर है यहाँ तक बात बच्चों? माइक्रो मैक्रो वर्ड क्लियर है? एक और छोटा सा एग्जांपल देंगे, बता दोगे क्या? अच्छा बताओ, अगर हम कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, कहाँ पे पढ़ेंगे? जब भी बोला करो सुनो, जैसे मैं कुछ भी बोलूंगा ना उसके पीछे आपको लॉजिक दूंगा। इकोनॉमिक्स है ये,
पृथ्वी घूम रही है, घूम रही है, क्यों घूम रही है? हम बता नहीं पा रहे तो हमने बोलते कुछ नहीं, हम बताएंगे सब बात। कॉस्ट बताओ, तूने एक टन पेन बनाई, कितने टन में पेन नहीं बनते लल्ला? हर वक्त कहाँ करेगा बन जाते टन में, कैसे पेन बन जाएंगे? तूने कितने पेन बनाए? बंडल्स में एक दर्जन पेन बनाया। एक दर्जन पेन मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भैया एक दर्जन पेन 12 रुपए का, 12 है ठीक है, 120 रुपए का है। कॉस्ट कितने की है? यार क्या बात कर रहा है, माइक्रो पे कहाँ ले आ रहा है तुझे? सीधी सीधी बात बता, बड़े लेवल पे। नहीं बेटा लल्ला फिर गलत चलेगा तू, अभी कॉस्ट की बात हो रही है, जब इसमें जीएसटी जुड़ता है ना तो मार्केट प्राइस होता है। यस क्यों कह रहे हैं हम कॉस्ट को फिर से समझ लो, क्योंकि कॉस्ट एक एवरेज यूनिट पे लाके नापी जाती है सर। कभी भी चाहे कुछ भी बन रहा हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, 1000 किलो की कोई चीज बन रही हो तो उसकी कॉस्ट एक यूनिट पे लाके नापी जाएगी। बात समझ आ रही है? कभी भी उसको 1000 रुपए कॉस्ट को नहीं नापा जाएगा, सिंगल यूनिट पे मेजर किया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोग्राम बोलते हैं, माइक्रो ग्राम बोलते हैं। Is it clear? Loud and clear to everyone? Yes. छापू। Adam Smith. अच्छा मुझे ये बता दो कितने लोगों को डायग्राम से पढ़ने से ज्यादा थ्योरी पढ़ने में मजा आता है? थ्योरी पढ़ने में नहीं, दिशा बता दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं वो थ्योरी वाले नोट जो है ना वो मैं आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा सर से, मुझे कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये डायग्राम मैं इसलिए बनाता हूँ, समझो डायग्राम की मेरी टीचिंग का सिर्फ डायग्राम है सेंस, इसलिए क्योंकि रटना नहीं पड़ता, सीधे क्लियरली आपको सामने दिखती है। हाँ मैं बिल्कुल, मैंने क्या बोला, जिसके पास इस लेवल का बुद्धि है कि चल जाएगा काम, वो तो इससे पढ़ लेगा। जिसको लगता है नहीं सर अपने को थोड़ा, देखो भाई हर बच्चे की पढ़ने की स्पीड अपनी होती है और पढ़ना अपने हिसाब से चाहिए, पढ़ना और दौड़ना अपने हिसाब से। एक दिन मैं अपने भाई के साथ दौड़ लिया, स्टेट लेवल का एथलीट है, मैंने कहा आजा दौड़ते हैं, वो 20 किलोमीटर दौड़ लिया। मैं उधर से क्या करके आया ओला करके। तो भाई कभी भी ऐसे काम मत करो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ो। बेटा यही तो बात है, भाई भी तो था साथ में, घसीट के लेके जाते हैं ना, ध्यान दो। तो बेसिक मुद्दा क्या है, वो मैंने कैसे कंप्लीट किया वो तो मुझे ही पता है बेटा, वो दर्द मत चलो। देखो बेसिक मुद्दा ये है कि अपनी स्पीड से पढ़ो, जब तक आप सही से अपनी स्पीड पे नहीं आ जाते हो तब तक बगल वाले से कॉम्पीट, क्योंकि देखो जिस पेज पर तुम हो है ना, और आपका जो साथ वाला पढ़ रहा है शायद उसके पढ़ने का लेवल अलग लेवल पर है, और जैसे ही आप उससे अपने आप को कंपेयर करोगे आप डिमोटिवेट होगे। अरे मैंने पूछा ही क्यों है, तेरी दिल की खुशी से पढ़ेगी कुछ पढ़ ले। चले बच्चों आगे, इकोनॉमिक्स के लिए कोई बुक नहीं लेनी, कोई फर्रे नहीं लेने, मोर देन सफिशियंट आपके बोर्ड पे जितना लिखा जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, रिवाइज तो मैं करवा दूंगा उसकी टेंशन मत। टेस्ट हमें देना, हाँ उसके लिए मैं 3 घंटे हायर करूंगा। हाँ घर घर आऊंगा, ठीक है, जैसे इंडियन बैंक ने अभी क्या स्टार्ट करा है, डोर स्टेप सर्विस स्टार्ट करी है, करंट अफेयर याद रख लिया होगा। तो घर घर को क्या पहुंचा रहे हैं कि भैया तुम्हें गहना बेचना, बेचना लोन देना, लोन देना है, हम आए लेके जाएंगे। डोर स्टेप सर्विस याद रखना प्लीज, सुनो एक पॉइंट, रेंग द फ्रिज, एक बात और ध्यान रखना, इसी के अंतर्गत आया आपका क्या वे, ये हो गया क्लास, इस बारे में बात करती है। प्रॉब्लम है सॉल्यूशन देखो, क्या है प्रॉब्लम है सॉल्यूशन देखो, प्रॉब्लम क्या है भाई, लड़की नहीं मिल रही भाई को, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, देख बेटा जिंदा है।
सुमित मिश्रा की क्लास है। देखो अभी से लड़की नहीं मिल रही तो प्रॉब्लम क्या है, सेक्स रेशियो प्रॉब्लम है। यस और नो? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी हमने एग्जांपल दिया तो कौन सा वाला? हाँ कुछ भी हमें नहीं बताते हैं। चाइना में भी हुआ था क्या? भ्रूण हत्या हो रही है। हाँ तो क्या हो रहा है, जो भ्रूण हत्या हो रही है ना उसको अपन क्या करेंगे, अब रोकने के लिए काम करें कि भैया अगर किसी डॉक्टर को ये चेकअप करते हुए देख लिया गया तो उसको 5 साल की सजा होगी। ये प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन भी दे रहा है, ये कैसी इकोनॉमिक्स है? क्लियर है बात? इसे बोलते हैं क्या आपका सकारात्मक अर्थशास्त्र। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है बच्चा, ध्यान दो। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोल रहा है लड़कियां नहीं है, होनी चाहिए। कैसे? कोई आइडिया? तो यहाँ देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलता है व्हाट इज, ये किसमें डील कर रहा है? इज है क्या, ये क्या बोल रहा है? यस व्हाट शुड बी। ठीक है, जैसे मैं इसका एकदम सिंपल एग्जांपल बताऊं तो इसका सिंपल एग्जांपल ये है, जैसे कई बार लड़के कहते हैं ना सुंदर सुशील लड़की होनी चाहिए, है ना, मेरी इज्जत करने वाली होनी चाहिए, ये क्या है? नॉर्मेटिव बातें, ऐसी लड़कियां नहीं होती हैं और पैसा भी कमाए ना, रियलिटी कुछ अलग है। मेरे पास यहाँ पे वो नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर, बना मतलब पिक्स दिखाता अलग से, झाड़ू लेके भागते हैं, ठीक है ना बेटा? किस सोसाइटी से आते हो? किसने बोला ये जो कौन भागता है, जो अगल बगल कौन? अरे ऐसे क्यों डरते हैं लोग कि नहीं सर मैं तो नहीं, मैं नहीं हूँ। बेइज्जती डर रहा है? नहीं मैं बेइज्जती करता कहाँ यार, कैसी बात है? मतलब टीचर इतना प्यारा हूँ, मैं भी बेइज्जती करता हूँ। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ध्यान से सुनो, यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली याद रखना बच्चों। और ये पेपर में क्वेश्चन आता है ना थोड़ा टफ कर देता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक इकोनॉमी में ये बात करी जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है, ठीक है, आपका पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो ये किस में आएगा? पॉजिटिव में ना बेटा, प्रॉब्लम बता रही है और साथ में क्या दे रहा है? सॉल्यूशन भी दे रहा है। देखो जो प्रॉब्लम आपसे मैंने बोला बेटा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मान लिया ऐसा बोला, तो आप क्या पूछोगे? क्यों? मैं कहा मुझे नहीं पता, तो आप कहोगे सर जी बहुत मारे जाओ, बाहर मिल मत जाना, क्योंकि प्रॉब्लम बताने वाले बंदे की लाइफ में जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम के साथ वो बंदा चाहिए ना। जैसे कुछ बच्चों का मुंह ज्यादा चलता है तो उनका यही सॉल्यूशन है कि मेरी क्लास में बैठो 4-5 दिन, दो में से एक चीज हो जाएगी, क्लास छोड़ने में चल जाएंगे। हाँ क्या बेटा? बेटा सिलेक्शन का मूड नहीं है ना, तो चले यही, जिनके हाथ चलते उनके मुंह नहीं चलते, और जिनके कर्म बोलते हैं खुद नहीं बोलते। अब जिसके कर्म बोलते हैं उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके कर्म ही बोलते चले जाते हैं, वो आगे बढ़ता बोलते हैं यार मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था बच्चे को, एक बोला मुझे बहुत अच्छा था, उसे बोलते निकालियो टिक में ये वाला तो नहीं करा था। तो किस कैटेगरी में देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, जिसके पास लाइफ में फालतू टाइम है, इसके मतलब उसके पास लाइफ में बड़े गोल नहीं। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मली जिस बंदे के पास बहुत काम होता है ना वो किसी से फालतू बोलने का टाइम नहीं है उसके पास, वो अपने टू द पॉइंट पे चल रहा है। क्योंकि पता है आपको मैं रियलिटी बताऊं, आपकी जो ये जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो ना, इससे आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, आपके आने वाले बच्चे सर्वोदय बाल विद्यालय में पढ़ेंगे या डीपीएस में पढ़ेंगे ना, ये यहां से डिसाइड होगा। आप एस क्लास गाड़ी चलाओगे या फिर आप स्कूटर के पीछे दो हफ्ते आगे लेके घूमोगे, ये यहां से डिसाइड होगा। और मैं बता रहा हूं जिसका मुंह यहां चलता है ना उसका मुंह पूरी जिंदगी बंद रहता है, पूरी जिंदगी, और वो सिर्फ दूसरों से चिढ़ता है, फिर वो जाके बीवी पीटता है। यही सच्चाई है, आदमी जो अंदर से सक्सेसफुल है ना वो बीवी बच्चे पे हाथ भिड़ाता है, जो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है जिसे जिंदगी में कुछ मिला नहीं, पर से ये दिख ना मेरी गलती क्या है, क्योंकि उसका तो मुंह चल रहा था, वो कम करवा देंगे। तो जैसे मान लो कि किसी का मुंह बहुत ज्यादा चल रहा है, तो हमने उसके साथ क्या बताया बेटा, समझा रहा हूँ इसी को, फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है? अपन ने उसको बोला बेटा पढ़ ले क्योंकि तेरा भविष्य खतरे में, क्या है? पॉजिटिव बात है,
प्रॉब्लम सॉल्यूशन, बोले मुंह ज्यादा चल रहा है फिर भी चलाया जा रहा है, कुछ नहीं कटोरा खरीदो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ बताई जा रही है विदाउट सॉल्यूशन। क्लियर है बात बच्चा? yes, किसी को कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। नहीं, चले आगे नोट करो। अब देखो बच्चे यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आज जितना मैं पढ़ा के जा रहा हूँ ना, आप लोग लकी रहोगे तो आपका इको का एक क्वेश्चन यही से आएगा, हर बार आता है। यूपी पैट में अभी आया था, अभी यूपीएससी के अंदर भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था इंडिविजुअल इकोनॉमी का, पर क्वेश्चन अलग लेवल पे पूछा गया था। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी तो वो भी अटेम्प्ट कर दूंगी। ठीक है देखो बोल लो कुछ और भी तुम्हें, कैसे कैसे नमस्ते पे रुक गए। देखो क्लास में मैं पहली दूसरी तीसरी क्लास में बहुत स्लो स्लो पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे ना आपको वो ये ना ये बहुत नीस कॉन्सेप्ट है, जब आपके दिमाग में उतर जाएगा ना तो आपको इकोनॉमिक्स से प्यार हो जाएगा, यही समझ में नहीं आएगी ना तो इन्फ्लेशन समझ में नहीं आएगा, फिस्कल डेफिसिट समझ में नहीं आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। बेबी स्टेप्स क्या होने चाहिए, बहुत केयरफुली रखने चाहिए। तुम बच्चा पैदा हुआ उसे रगड़ दिए ले चल जिंदगी मेरा भाई बैठेगा। ठीक है देखो छोटे तू कौन सी ड्राइंग बनाने लगा, पर मैं कहा बोलने लगा। अरे बढ़िया बात है, बोलने से पता चलता है जिंदा है। देखो सुन लिया मैंने, इकोनॉमी इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स अलग अलग चीज है, बिल्कुल इतनी अलग चीज है जैसे खाना बनाना और कढ़ाई। कढ़ाई जानते हो ना सभी लोग, बर्तन जिसमें खाना बनता है। दोनों में फर्क क्या है, खाना बनाना एक प्रोसेस है और कढ़ाई एक क्या बात, अचानक से तुझे हो रहा है धीरे धीरे, अब लग रहा है भविष्य देश का खतरे में, ये भी नौकरी पे जाएगा यार। इकोनॉमी में इकोनॉमी का मतलब क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड क्या लिविंग टू देयर। अच्छा मुझे सच सच बताओ, अगर आप में से किसी को भी यूएसए से कॉल लेटर आए ठीक है और एक बिहार से कॉल लेटर आए, किधर जाओगे? यूएसए। कोई बिहार वाला तो नहीं है क्या? मैं तो बिहार जाऊंगा। सैलरी छोड़ दो, मान लो बिहार में 5 लाख मिल रहा है यूएसए में 1 लाख, कहाँ जाओगे? हाँ कहने वाली बात तो बेटा अफवाह मत उड़ा, देख क्योंकि तूने यूएसए कुछ और सोचा है, छूट में यूएसए जाऊंगा घूमने को मिलेगा, अच्छी जिंदगी मिलेगी, बेहतर रोड है, एजुकेशन अच्छी मिलेगी, एक्सप्लोर कर पाऊंगा, यही है ना। बिहार जाएगा 5 लाख में से 4 लाख छीन लेंगे ना। हाँ कोरिया वगैरह, कोरिया में बेटा नॉर्थ कोरिया में बिकवाएंगे हम। तुमने कोरिया बोला था, नॉर्थ साउथ नहीं बोला था, 38 पैलर की इधर उधर हो जाती है कहानी। अरे आदो ये लग रहा है सर ने जोक जोक में बात बता दी, पेपर में क्वेश्चन आता ही अभी आया हुआ है 2-3 बार, हम तो रेड क्लिप के बाहर फेंकते इसे, ये जाकर राजी तो हो। अब जिनको नहीं दो ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच की लाइन को कहते हैं बेटा मैकमोहन भेज दें, बेटा चाइना में नरसंहार चल रहा है और बोलने वाले मेरे पहले काटे जा रहे हैं। डोंट मैच विद दोस हु मैचिंग विद द वर्ल्ड। ये नहीं बताऊंगा, मैं चुप के जाऊंगा यहाँ पे, थोड़ा पार मिलो। इकोनॉमी जैसे कि क्या बच्चा सुनो ध्यान से, इकोनॉमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड लिविंग, मतलब क्या जिंदा रहने के लिए मुलाकात, मुस्कान क्यों रहा है? जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए बच्चों, अच्छी एजुकेशन। Yes or no? Yes, sir. आपको एजुकेशन के साथ
क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट, आपको क्या चाहिए? हेल्थ फैसिलिटीज, और ये सब जब भी मिलेगा तो किसी इकोनॉमी में क्या हो रही होगी? ग्रोथ हो रही होगी। ये सुनो, सेफ्टी भी तो है। सेफ्टी तक पर ही बेटा जॉब सिक्योरिटी बेटा, जिस इकोनॉमी में देखो, जिस देश में औरतों की इज्जत, जिस घर में औरत की इज्जत ना हो वो घर आगे नहीं बढ़ता, जिस देश में औरत की इज्जत ना हो वो देश आगे नहीं बढ़ता, और जहां पे लोगों की सेफ्टी ना हो इंडस्ट्री कौन लगाएगा? मुझे भी सर बता देते, सर यहाँ पे जो टीचर आया था उसको तीन बच्चों ने मिलकर घेर के भाग पीटा था, तू बता मैं आता? सिंपल सी बात है, और आता तो मैं अपना सामान लेके आता ऑटोमेटिक वाला बाइक नीचे खड़ी रखता, निकलते हो बोला हर क्लास में ऐसे जाता है सर जी, ध्यान दो प्लीज। तो सेफ्टी वाले पर्सन यहाँ पर आता है। देखो मैं समझा रहा हूँ, गुजरात में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज क्यों है? क्योंकि वहां पर पुलिस सेफ्टी ज्यादा है, चीजें अच्छी है। अब तुझे मान ले झारखंड में नौकरी दे दी, और उसमें तुझे बना दिया क्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफिसर, ले जाएंगे तेरे को बोरिंग भर के, नक्सल देखता भी हो फिर वहां पे जाएगा, पता है लोगों नक्सल एरिया में अगर आप जाओ तो आपको नक्सल का पेमेंट भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है। क्यों मिलता है? कि बेटा तुम जाओगे और खबर आएगी। नक्सल होता क्या है, जब बच्चों को जॉब नहीं मिलती बगावत कर जाते हैं सरकार के खिलाफ। नहीं, डाकू नक्सल फर्क होता है, डाकू नक्सल और चोर जेब कतरा, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं टेररिस्ट, इन सब में डिफरेंस सब क्या है? टेररिस्ट एक आइडियोलॉजी है, नक्सल एक आइडियोलॉजी है, डकैती चोरी और जेब कतरी जो है मजबूरी है, उसने बोला है कि मुझे आइसक्रीम खानी है और सोचो अपने जिस जो आइसक्रीम आपके साथ खा रहा है ना वो कहीं बेहतर जगह की आइसक्रीम खा रहा है, तुमने अभी तक खाया? जैसे मेरे को पहली बार पता चला 360 रुपए की चॉकलेट आती है, मेरा घर तीन दिन पांच दिन चॉकलेट में डूबा रहता, उसमें मुझे लगता 10 रुपए से ज्यादा क्या महंगा आता वो चॉकलेट। देखो बच्चों तो लग रहा है ना 350 चॉकलेट अपने ले लूंगा। इकोनॉमिक्स डीप बात है जी, इकोनॉमिक्स में तीन टाइम, और देखो सुनो बच्चों यहाँ पर देखो, इकोनॉमी में एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। अभी मैंने वर्ड समझाया नहीं है, बस अभी इतना याद रखो, कोई भी नई चीज जो बनाई जाए या फिर किसी पुरानी चीज की वैल्यू क्या करी जाए, बढ़ाई जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? बात क्लियरली समझ में नहीं तो देखो, ये अपन ने बनाया बिल्कुल ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोडक्शन बोलेंगे। और अगर मान लो इसी के ऊपर क्या लगा देते हैं, हमने कवर और लगा देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वैल्यू एडिशन। उसकी वैल्यू क्या करती हमने? बढ़ा दी। प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना बच्चों प्लीज, कंट्रोल। देखो अगर फोन के उस तरफ कोई है तो फिर तो जाए, नहीं नहीं सर जी कुछ और है, फिर क्या देख रहा है? जीवन भी बेकार कर रहा है, कुछ बन भी नहीं रहा। ध्यान दो, प्रोडक्शन पे जो बच्चा कंट्रोल होता है, ध्यान देना प्लीज, कंट्रोल अगर सारा का सारा किसका हो? एक तो हो सकता है ना कि पूरी तरीके से चीजें किसके हाथ में कंट्रोल है, ये सुनो। अच्छा दूसरा, जहां पे कंट्रोल सारा का सारा किसके हाथ में हो? बात अच्छा, और जहां पे बोले कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना और ढोलना, ये क्या कहलाएगा? जहां पे प्राइवेट भी है और मैं तो बोल रहा नहीं कि मिक्स जैसा वर्ड है, तो जहां पे प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो बच्चों इसको बोलते हैं क्या? इकोनॉमी। अब बोलो सर ऐसी भी इकोनॉमी होती है? जैसा भी किसी आवाज आई बेटा लल्ला 1991 से पहले इंडिया ही ऐसी इकोनॉमी था, क्लियर है बात? चलो मुझे पता है 15 दिन का हमारे पास रिजर्व बचा था, WTO क्राइसिस आया था, WTO की एस्टैब्लिशमेंट से गेट आया था, गेट से पहले कुछ और था, मैंने
कह रहा जो मुझे पता मैं तो बता के जाऊंगा बात बाकी आपको मतलब हो ना हो ध्यान दो प्लीज। प्राइवेट इकोनॉमी लल्ला क्या कहलाती है जिसको हम बोलते हैं फेडरल। कहां से आ रहा तुम के पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो? फेडरलिज्म कुछ अलग होता है। फेडरलिज्म मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट का रूल चेंज होता है, यानी जहां पे पावर यूनियन और स्टेट के बीच में क्या हो जाती है बटती है, उसे फेडरलिज्म बोलते हैं। फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जांपल यूएसए इंडिया क्वासी फेडरलिज्म में कंसीडर होता है। ये अपन ने उठाया कनाडा से। प्राइवेट, प्राइवेट पे जो पूरी तरीके से कंट्रोल करे उसे बोलते हैं क्या? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखो बच्चों, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ही पूछा गया था शायद मैं अगर सही से रिकॉल करूं 2013-2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही पूछा गया था वो कौन सी इकोनॉमी होती है जिसमें कस्टमर को क्या ट्रीट करते हैं? क्या ट्रीट करते हैं? किंग ट्रीट करते हैं। कहां करते होंगे? अब कभी ना सलून जाना गए हो कभी? महंगे वाले का कितना महंगा? तेरे जैसे बनता है कितना भी चाहिए बाल, तेरे बाल छोटे छोटे है ना बढ़िया। ज्यादा बोलने वाला के साथ होता ही है, जैसे बहुत तेज चलने वाला गवर्नमेंट पैर दे देता है। मैं नहीं बोल रहा भाई, कहीं दिल पे ले कह रहा मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। प्राइवेट इकोनॉमी ध्यान दो बच्चा। कैपिटलिस्ट में आपके कस्टमर को क्या ट्रीट करते हैं? क्योंकि कस्टमर को डिलॉइट देने में लगे हुए, सेटिस्फेक्शन की बात ही खत्म हो गई है। किस में बात हो रही है? डिलॉइट में, यानी कि कस्टमर को बेहतर से बेहतर सर्विसेज दी जाती है। ठीक है, ये कस्टमर ओरिएंटेड है, यानी यहाँ पे वो चीजें बनाई जाएंगी जो नेटफ्लिक्स आ रहा है, मनी हाइस्ट आ रहा है, बालाजी आ रहा है, ऑल्ट बालाजी है ना बेटा, वो तुम्हारे लिए आ रहा है ना, ये मनी हाइस्ट इनके लिए। कुछ ऑडियंस हो गई तो है, होता क्या इसमें बेटा? ये नहीं पता, हमारा कंटेंट सेंसर वाला है ना, इतना भी तो बोला नहीं है। देखो बच्चों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट में, क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या है बच्चा पार्टी? पूछता है कि क्या इसका मोटिव है, तो इसका मोटिव है क्या लल्ला? प्रॉफिट। ये बोल रहा है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, वही बेचेंगे जो ज्यादा प्रॉफिट देगा, जो प्रॉफिट नहीं दे रहा उसको बेच देने का कोई काम नहीं है। याद करो इंडिया में नैनो क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा। नैनो मतलब इज्जत नहीं, कार मतलब इंडिया में जैसे तुमने कार खरीदी, कैसी भी कार तुम कार खरीद के लेके गए, डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली इनकम, आप कार खरीद के लेके जाओगे तुरंत आपके मोहल्ले वाले कहेंगे लड़का छाप रहा है कार ले आया ना। नैनो लेके जाता भिखारी बोल देता भैया कल से आपसे पैसा कहां लेंगे भाई साहब, इज्जत नहीं जुड़ी ना उसके साथ। उसके आगे बुलेट लेके जो चल रहा है उसकी नैनो से ज्यादा इज्जत है नहीं, बात महंगी सस्ते की है ही नहीं, आप फिर फंडा नहीं समझ लो। बात एक चीज के साथ एक क्या जुड़ रहा है, ऑल्टो लेके लोग चल रहे हैं उनको भी इज्जत दे रहे हैं ना लोग, नैनो के साथ इज्जत आई नहीं क्योंकि क्या बोल के बेचा? गरीब लोगों के लिए कार। अब गरीब आदमी इंडिया में भी कार अफोर्ड तो जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उसके लिए कार बनेगी कैसे? हाँ आने वाले हो सकता है 20-50 सालों के अंदर हमारे यहाँ पे कार कैसी हो जाएगी? नेसेसिटी हो जाएगी। जैसे अमेरिका में आप कार परचेस करते हो, जब तक लैम्बोर्गिनी या रोल्स रॉयस ना परचेस करो कोई आपके घर पे आके देखेगा नहीं, बात समझ लो, क्योंकि वहां पे जो प्लम्बर है वो भी कार लेके आ रहा है। हाँ भाई साहब, हर साल 30 मिलियन कार वो रोडों से क्या करते हैं? गार्बेज में फेंकते हैं, इतनी कारें बनती है वहां पे, समझो बात। ठीक है, इंडिया के अंदर तुम्हारा प्लम्बर छोड़ो, तुम जो बुला रहे हो अपने घर पे तुम खुद कार वाले नहीं हो, क्योंकि कार यहाँ पर क्या है अभी लग्जरी आइटम है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको बताऊं 2014 से पहले मोबाइल फोन क्या था भाई? तो मेरे फादर मोटोरोला का फोन खरीद के लगे आए थे, ऐसे देखते थे फोन को है ना, तब तक क्या हो रहा था? हाँ ऑब्वियस सी बात है पूजा हो रही थी ना बेटा, क्योंकि महंगा था
उस समय में पापा की जो तनख्वाह थी वो 10,000-12,000 रुपए कमा रहे थे वो, तब वो 3,000 का फोन लेके घूम रहे हैं, तो बड़ी बात है। 15 रुपए कॉलिंग की देते थे, एक कॉल के 15 रुपए जाते थे, ठीक है। आज लगे पड़े बाबू तुमने खाना खाया, पैसा ही नहीं आ रहा है। देखो प्लीज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब यहाँ तक सभी को क्लियर है? अच्छा, और सोशलिस्ट इकोनॉमी पैसा बनाने के लिए इसका काम क्या बच्चों? वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी। जैसे बोलोगे सर एग्जांपल, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबको वैक्सीन लगवाई है, किसी से पैसे लिए क्या? नहीं। क्यों नहीं लिए? क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इज इट ओके टू एवरीवन? चलो बात समझ पा रहे बच्चों। पेपर में पैट के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूछा गया था, नेम इकोनॉमी जहां पर पूरी की पूरी चीजें जो है किसके कंट्रोल में है, आपके पूंजीवादी लोगों के हाथ में है, यानी जिसके पास पैसा है उसके हाथ में, से उस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलोगे सर क्यों? क्यों बच्चों? क्योंकि वो प्रोवाइड करता है जो मार्केट में। आप लोगों ने अभी संदीप महेश्वरी के यहाँ पर चाय सुट्टा बार वाला बंदा आया था, उसमें एक चीज देखोगे तो तुम्हें कैपिटलिज्म वहां से समझा सकता हूँ। उसमें उसने बोला कि क्या तुम चाय वाय बनाओ कुछ एमबीए चाय? अरे सुन तो ले, और उन्होंने तो नहीं सुना तो मैं ही समझाऊंगा, तो बेहतर समझ में आ गया। तो उन्होंने बोला कि मैं चाय नहीं पीता, तो बोले तुम चाय बेचते हो पर पीते नहीं हो? बोले मैं बेचता वो हूँ जो कस्टमर को चाहिए। वही कहला रहा है कि जो कस्टमर को चाहिए अपन वो सेल कर रहे हैं। आप ज्यादातर देखना कॉलेज के बाहर आपको क्या मिलेगा? सिगरेट, चाय। मैं तो कौन से कॉलेज में हूँ? तुमने चाय चाय देखी ना, उसके नीचे रखता है वो गोल्ड फ्लेक्स की डिब्बी। और क्या होता है इसके साथ? मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और इसे बोलते हैं फ्री इकोनॉमी। ये फ्री इकोनॉमी क्या है? फ्री इकोनॉमी क्या है? यानी जहां पे ये अपनी मर्जी से प्राइस क्या कर रहे हैं, पर डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कस्टमर। बात पल्ले पड़ रही है? चलो अच्छा, वेलफेयर ऑफ द पीपल को सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। नॉर्मली इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी से बोलते हैं, हिंदी में जरूर इसके नाम बदले हुए हैं, जैसे इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब इनमें ध्यान से समझो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जनक यानी पापा कौन बोले जाते हैं? यस, क्योंकि एडम स्मिथ ने जब इकोनॉमिक्स की बुक लिखी ना तो उसमें बोला कि इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल ना के बराबर हो। तो इसीलिए एडम स्मिथ को, और याद करो एक भाई साहब है जिनका नाम है यस कार्ल मार्क्स, ने छोड़ी दी कम्युनिज्म की, पर कम्युनिज्म पे चढ़ने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आपको सोशलिज्म करना पड़ेगा। जब तक सोशलिस्ट नहीं होगी इकोनॉमी तब तक कम्युनिस्ट नहीं बनेंगे। आप लोगों के दिमाग में छोटा सा क्वेश्चन चला होगा, सर कम्युनिज्म और सोशलिज्म में फर्क क्या हो रहा है? तो ध्यान से समझ लो, सोशलिज्म के अंदर तो फिर भी एक अथॉरिटी है जो चीजों को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। कम्युनिज्म में बोलते हैं कम्युनिटी ही चला रही है, यानी उनका कहना है कि सबका पे बराबर हो, जिसको जो चाहिए, मतलब खाना भी एक ही जगह इकट्ठा बन रहा हो, लोग खा रहे हो, इस तरीके की बात कर रहे हो। बात समझ रहे? आपको भी कम्युनिज्म कौन फॉलो कर रहा है? वैसे तो ऐसे सच में फॉलो नहीं कर रहा, पर इसका लगभग लगभग दिखता दिखता सा एग्जांपल चाइना में दिखता है, थोड़ा थोड़ी सी झलक दिखती है, हालांकि है नहीं वो कम्युनिस्ट। अब देखो प्लीज यहाँ पे भी समझो, सोशलिस्ट इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल इस समय कौन सा है? रशिया को कंसिडर करते हैं, ठीक है। आपका क्या किसको कंसिडर करते हैं? आपका क्या कहते हैं? नॉर्थ कोरिया को कंसिडर करते हैं, ठीक है। कमांडेड इकोनॉमी भी कहते हैं इसको, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा क्या है? गवर्नमेंट की। अच्छा, मार्केट इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल जो है वो कौन है? यूएसए है आपका, क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, यूके भी है कुछ हद तक, ठीक है। यहाँ पर भी ज्यादातर चीजें किसके हाथ में? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, इवन डिफेंस भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। अच्छा, और ये बोल रहा है क्या दोनों मिलके करते हैं काम? मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा क्वेश्चन एक बार ये भी आता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी शुरू किसने करी थी? बेटा जवाहरलाल नेहरू जब थे ना, तो मिक्स्ड इकोनॉमी, सुनो सुनो, थोड़ा और पीछे चलते हैं, थोड़ा एंशियंट हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर जाओगे ना तुम, तो एक भाई साहब है जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी,
उन्होंने पहली बार मिक्स इकोनॉमी का हिसाब किताब शुरू किया था। थोड़ा डीप हो गया समझ लेना। और पूरे के सर ऐसे कहते ग्रेन मार्केट चलाई थी ना, पढ़ा होगा तुमने थोड़ा बहुत, ग्रेन मार्केट चलाई थी, घोड़ों के ऊपर क्या करा था, चेहरा लगाना शुरू करा था, चेहरा नकाब वाली प्रथा, ये सारी किस चीज की देन है, मिक्स इकोनॉमी की। चलो तुम लोग मिलकर चला लेते हैं, समझ आ रही बात। और मिक्स इकोनॉमी का बेस्ट एग्जाम्पल इस समय कौन है, इंडिया। अच्छा सुनो, मिक्स इकोनॉमी को मॉडर्न कंट्री में किसने स्टार्ट करा, तो फ्रांस। फ्रांस को कंट्री जिसने क्या करा, मिक्स इकोनॉमी को स्टार्ट करा। क्लियरली बात समझ आ रही है। प्रोडक्शन के कंट्रोल में गवर्नमेंट, प्राइवेट गवर्नमेंट और आपका क्या, गवर्नमेंट प्राइवेट और आपका। अब यहाँ पर प्राइवेट गवर्नमेंट में क्या है, यहाँ पे आपको वो करण जौहर वाले स्कूल भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बच्चे बोलते हैं माय गॉड यू नो द लास्ट टाइम आई हैड जस्ट वेंट न्यूयॉर्क पे जस्ट और वो वाले क्या पता मम्मी ने कितना मारा रात में। प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नोट अच्छा वो वाली मिली, दूसरी वाली कैटेगरी। अच्छा इंग्लिश वाली नहीं मिली, मैं इंग्लिश वाली कोई नहीं, कुछ बातें आपको से समझ जाएंगी। वो कहते हैं गाना नहीं चल रहा आजकल रील पे, तुम आंखों से समझाना समझ जाएंगे। हम तो बोल रहे हैं समझाना समझा रहे हैं, हमारा काम है समझाने का। रशिया रशिया याद आ रहा तुम लोगों को। अरे एक सेकंड, एक मिनट, क्या नाम है, नाम क्या है, सॉरी बेटा यहाँ मुझसे इतने से हो जाएगा, उन्होंने कुछ बोला है आपको, ईगो पे क्यों लेते हो, अरे क्या हो गया फिर, सिंपल यार, पता है जिनको बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ती है छोटे मोटे पे नहीं उलझते हो। अभी जिंदगी में बहुत लड़ना है बेटा, कहाँ हल्की फुल्की मस्ती मजाक की बातों पे लड़ रहे, यही जिंदगी भर करना है। तो तेरे को बहुत आगे जाना है, जाना ही नहीं जाना। कल को मान लो ऑफिसर बनेगा, कोई आके बोलता है तुम तो गंदे ऑफिसर, तू कहे घर तक चलूंगा, आप कैसे बोल दिया, ये काम थोड़ी ना करेगा बेटा, छोड़ लीव इट, बात ही खत्म हो गई, कोई नहीं। अगर आपको कोई बात बोल रहे एक्सट्रीमली सॉरी, एंड ऑलवेज रिमेम्बर व्हेनेवर अ गर्ल मिस्टेक देन योर मिस्टेक, इफ योर मिस्टेक इट्स योर मिस्टेक, एंड इन मिस्टेक ऑफ द गर्ल देन इट मे बी मिस्टेक एंड अदर मिस्टेक, बट नेवर अ गर्ल डिड रॉन्ग। सिंपल सी बात है, याद रख ले, रिलेशनशिप के लिए जिंदगी भर आगे चलेगा, नहीं तो पता लटके आ जाओगे। देखो मैं तो अपने जीवन के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं एक मैसेज हर बार टाइप कर देता हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी मेरी गलती थी यार माफ कर दो, सारी बातें भूल जाओ, ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ता ना यार। आप जिंदगी में, मेरे को एक बात याद रखना, मान लो अगर आप ऐसे समझो, मैं इसको एक अच्छे एग्जांपल समझा था, मान लो आपको घर में पता चला किसी का एक्सीडेंट हो गया, बात बस ध्यान से समझना, आप बाइक लेके जा रहे हो, रास्ते में कोई बंदा है आपकी स्कूटी आपकी बाइक पे, उसने मान लो टक्कर मार दी, तुम्हारे घर पे एक्सीडेंट हुआ है ना, तुम क्या करोगे, उससे लड़ोगे, वो कह रहा मार मुझे, तू कह रहा भाई तू जा मेरी गलती माफ कर, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास गोल बड़ा है ना, ये सुनो बात ही खत्म हो गई, सिंपल सा लॉजिक है। इतनी सी बात समझने में कितना बड़ा रॉकेट साइंस है, सबके लिए इम्प्लीमेंट है, विक्की के लिए नहीं, छोटी जितनी छोटी चीजों के लिए तुम लड़ोगे ना, याद रखना जिंदगी में उतने क्या हो जाओगे, सीमित हो जाओगे, ये बात जिंदगी में आ रहा ना, आदमी लड़ता अपनी औकात के हिसाब से ही है। मैं से ड्रग सप्लाई करो। Oh, my God.
चलेंगे बच्चों, एक और टाइप पढ़ाना है उसके बाद फिर क्लास छोड़ दोगे, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। आज आपने जितना पढ़ा ना, आप जाओ किसी भी इकोनॉमिक्स का पेपर उठा लेना जहां भी आता है, आपको 600-500 क्वेश्चन क्या होंगे आपको। अब क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं है आपको दिखाने के लिए नहीं है, ठीक है ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता, वरना आपको अभी क्वेश्चन भी दिखाता बहुत सारे, पर मैं आपको क्वेश्चन का सेट बना के नेक्स्ट क्लास में जमाऊंगा। आप सब लोग अपना फोन लेकर के आना, मैं ग्रुप में भेजूंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट मेकिंग अरे कोई ना मारेगा इसे, तेरे मुंह से गलती से निकली ना तो बात कर, तो दोस्त को मार देगा जान से तू भी इसी की तरह से होती है बीवियां, कहते पापा लड़ाई हो गई, बेटा कोई बात नहीं हो गई तो पापा बस मर गए। चले बच्चों आगे, क्या हो गया, क्यों उदास हो गया, मना कर दिया फोन पर किसी ने? यार जवान आदमी का चेहरा अगर मुरझाया हुआ है ना तो देश का भविष्य मुरझाया हुआ है। तुम लोगों ने कौन सी टेंशन मार ली जिंदगी में? वो बेचारी अच्छी हुई हसरी थी, बेबा वतन क्या रोने बैठ गई, कह रही सर मैं जब तक अद्धा नहीं मार लूंगी मेरे मन में ये आज जाएगा। बेटा 5 रुपए लिया तू, सुन 5 रुपए कम नहीं, नहीं जाओ बैठा हुआ वहां की बात। अरे मैं जो काफी थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल ज्यादा है, बाद में समझ जाएंगे, कई घर पे जाके आएंगे, सर मैं वाला ही बोला था क्या? मैं इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ, तुमने मेरे जैसे टीचर से पढ़ा नहीं होगा, ये तुम नहीं बोलते, जितने पहली बार पढ़ते सब ये बोलते हैं, ये तो बाद में पता चलता है कि ये टीचर सुनाता भी उतनी ज्यादा है। देखो बच्चों, खूब मजे करो, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, ठीक है ना, उदास लेके घर जाओगे ना चेहरा, आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों के मम्मी पापा आपको देख के जिंदा रहते हैं, आपके ऊपर बर्डन आएगा ना तो उनको लगेगा कहीं कंधा झुक तो नहीं गया मेरे लड़के का। मेरे फादर के डेथ के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई है कि बाप का ना, बाप जब आपको देखता है ना तो आपको नहीं देख रहा होता है, वो ना अपनी मेहनत देख रहा होता है कि मैंने ना यार कितना कुछ किया इस बच्चे के लिए, या आगे चल के कितना कुछ करेगा। तो जो भी प्रॉब्लम हो, दो लोगों के सामने कभी मत ना प्रॉब्लम ज्यादा खोल के रखना, क्योंकि ना वो आपको देख के जी रहे, एक आपके मम्मी पापा और एक जिससे बहुत प्यार करते हैं, कि ऐसा नहीं प्यार का मतलब नहीं कि अपना टोकरा ले जाके पटक देना है, ले मैं भी परेशान हूँ तू भी परेशान, दोनों मिलके परेशान परेशान खेलते हैं। कीप स्माइलिंग, जिंदा हो 18, 19, 20, 21 साल के लौंडे हो यार, है ना, अभी तो तुमने जिंदगी भी सही से नहीं, गोवा भी नहीं गए होगे तुमने से कई साल, कौन सा गया है नहीं गया है, तो तेरी जिंदगी खत्म बेटा, हम नहीं मतलब अब रशिया चलेंगे दोनों भाई। ध्यान दो बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, क्या अपने को बाहर वालों से ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ना? तो इसी के साथ एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल। वर्ड सुनो सिर्फ, क्या है ग्लोबल? अगर आप ग्लोब के साथ क्या कर रहे हो बच्चों, ट्रेड चल रहा है आपका, क्या चल रहा है आपका, ट्रेड चल रहा है, तो आपकी इकोनॉमी को क्या बोलेंगे, ओपन इकोनॉमी। और अगर आपका ये ट्रेड क्या है, अपनी कंट्री में ट्रेड क्या है आपका, बैन है, तो आपको क्या कहेंगे इसको, हम क्लोज इकोनॉमी। अब मैंने तो ये जो वर्ड यूज कर दिया क्या, ट्रेड, मैं लाइट बुझाता हूँ ना, जो करना तो कर, मैं रुकेगा नहीं रे पागल, मैं प्यार के बीच में नहीं आएगा, तू कर ये रिश्ता क्या वो जानना चाह रहा हो क्या, क्या मैं जोक समझ नहीं आया, मेरे बताओ क्या हुआ। देखो बेटा ट्रेड का मतलब ध्यान देना, अगर हम अंदर करते हैं तो सेल और परचेज बोलते, क्या बोलते, पर हम क्या कह रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं बाहर जा रहे, तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ध्यान दो, इम मतलब आ रहा है, एक्स मतलब एक्स तो जाता ही है, ठीक है, एक्सपोर्ट और क्लियर है यहाँ पर बात। अच्छा सुनो, क्वेश्चन आया था, पूछा है टैरिफ ड्यूटी क्या कहलाती है, तो ध्यान से, टैरिफ
हिंदी में बोलते चुंगीकर, चुम्मीकर कौन बोल रहा है वो चुंगीकर। तो चुंगीकर क्या होता है बच्चों, जो आपका किस पे लगाया जाता है, किस पे लगाया जाता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगाया जाए उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, चुंगीकर। ऐसे में हिस्ट्री पढ़ाया था, मैं पढ़ा था चौरी चौरा कांड, मैं पढ़ा था बड़ोद में, 700-800 बच्चे भरे हुए थे क्लास में, और क्लास को 2.5 घंटे हो गए थे चलते चलते, बच्चे वो वाले हो रहे थे कि चलते घर, तो एक बीच में से चिल्लाता है छोरी छोरा, और भाई जो क्लास हंसी है पागलों की तरह, 15 मिनट तक क्लास चुप हो गया राजनीति जी, ठीक है स्वाद आ गया ना जिंदगी में, यही चलना चाहिए बस। क्या कहाँ है वो चौरी चौरा कहती है, सुनो एक वर्ड आया था, एक वर्ड आया था, पूछा कहता है एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, सुनना क्या वर्ड था, क्या होता है सुन लो, अपन माल यहाँ से मंगा रहे हैं, अब क्या करते हैं ना लोग कि जैसे आईफोन खरीदने के लिए इंडिया से बाहर, वहां से बड़े सस्ते रेटों पर बिल बना है, बिल लेकर के यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर मार्केट में क्या कर रहे हैं, ब्लैक में सस्ता बेच रहे हैं, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर एक्सपोर्ट कर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो पकड़े जाते हो आप, इम्पोर्ट करते हो पकड़े जाते हो कुछ भी ऐसा जिसकी कीमत ओरिजिनल प्राइस से क्या है कम है बिल के ऊपर, तो उसका दुगना प्राइस 200 गुना क्या लिया जाएगा आपसे, टैक्स लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि मार्केट के स्टेबिलिटी को क्या करा जा सके, बात समझ में आई, कितनों की बात अभी पढ़ लेनी पड़ी, रेजर हैंड मजाक से पब्लिक को क्लियर बताओ, आप लोगों को नहीं, देखो छोटे हम क्या कह रहे हैं, मान लो आप सूट के व्यापारी हो, ठीक है ना, आप कहां से सूट लेकर आ रहे हो, अमेरिका से, ठीक है, आप अमेरिका से इंडिया में लेकर, यहाँ भी सूट बेचने वाले हैं अमेरिका में भी है, अमेरिका में सूट की मैन्युफैक्चरिंग मान लो सस्ती पड़ती है बहुत ज्यादा, और आपको यहाँ पर जो सूट वाला है उसकी कीमत 800 रुपए तो कम से कम है, तुम वहां से 200 रुपए में ठाला है, यहाँ लाके तुम कितने में बेच रहे हो, 300 रुपए में, तो लोकल बिजनेस की तो लग गई ना, तो इसको रोकने का काम किसका है, इसको रोकने का काम किसका, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट में किसका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, उसने बोला ऐसे तो ना ई ना चौल पे, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला भाई अब इस पे क्या लगाएंगे हम, 200 का सामान है 200 गुना ड्यूटी दोगे, तो अपने आप ही 800-900-1000 रुपए हो जाता है, और फिर उसके बाद तो मार्केट पे हमारे प्लेयरों को क्या मिल जाता है, लेवल मिल जाता है, इक्वल लेवल मिल जाता है, जिससे यहाँ का बिजनेस क्या नहीं होता, बेकार नहीं होता, थोड़ा पीछे भी चलते हैं, कैसे बेटा इलीगल कहाँ है, बेचना इलीगल थोड़ी ना है, गांजा लेके आ रहे तो इलीगल है, सूट तो लीगल वस्तु है ना, समझ रहे हो आपको, हाँ इलीगल ये भी कि मान लो तुम बस में पहन के चढ़ गए, अरे आप क्या मिलता है, टिकट के पैसे बच रहे, पकड़ लिया तो इलीगल है, देखो समझो ध्यान से, जो इलीगल वाला वर्ड तुम सोच रहे हो ना बेटा, वो सिर्फ इलीगल प्रोडक्ट पे लगेगा, या आपने बिल नहीं बनवाया, आप बिल के साथ छेड़खानी कर रहे हो, इलीगलिटी नहीं आएगी ना, उसको बचाने का हमने काम देख लिया ना, हम सबको जेल में थोड़ी डालते चलेंगे। अच्छा मुझे एक बात आओ, जिस देश के अंदर, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सुनो, जिस देश के अंदर लॉ ज्यादा होते हैं वो देश ज्यादा अच्छा होता है, जिस देश में लॉ कम होते हैं वो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा होते हैं वही सबसे घटिया देश होता है, पूछो क्यों, रूल्स ब्रेक करते हैं, नहीं क्योंकि रूल जब भी बनाए जा रहे हैं क्योंकि लोग वहां पे बदतमीज हैं, रूल कम बनाए जाते हैं वहां, जहां रूल कम है इसका मतलब वहां पे लोगों के एथिकल वैल्यूज बहुत ऊपर है, भाई तुम्हें पता है ना रोड पे थूकना नहीं चाहिए, आपको खुद को नहीं पता क्या करना चाहिए, है ना, तुम लिख रहे यहां मत थूको, तुम बोले ये पिचकारी भरेंगे यहीं पे, लहू मुंह लग गया, हाँ जुबा केसरी करेंगे, कौन समझ रहे हो आप, तो जहां पे भी रूल्स बहुत ज्यादा है इसका मतलब कंट्री का एथिक वैल्यू क्या है, बहुत कम है, कौन समझ रहा है, तो इसी तरीके से टैरिफ लेने के पीछे रीजन क्या है, हम अपने देश के लोकल बिजनेसेस को क्या कर सके, बचा सके, आप बोलोगे सर एग्जांपल और बेहतर समझे, हम थोड़ा सा हिस्ट्री को और इको को और पीछे लेके चलते हैं, जब भारत आजाद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत चरमराई सी थी, कारण क्या था कि ये जो टैरिफ वैल्यू थी ना, जब हम अपना माल ले जाके ब्रिटेन बेचना चाहते थे तो ये लेते थे हमसे टैक्स बहुत ज्यादा, और अपना माल जब उधर से लेके आते थे तो उस पर टैक्स नहीं लगाते थे, तो हमारा व्यापारी तो मान लो 100 रुपए का बना रहा है और अंग्रेजों ने उसको 10 रुपए का लेके आए बाहर से, ठीक है, तो भाई 100 रुपए की कोई चीज क्यों खरीदेगा, चाइना के प्रोडक्ट क्यों बिकते हैं, क्योंकि सस्ते हैं, सिंपल सा लॉजिक है,
समझ में आ रही है बच्चा बात? जब चीजें सस्ती होंगी आप मार्केट में बैटल नहीं कर पाओगे ना। अब मान लो सर जो भी फीस लेते हो नंबर, अब कोई आगे बोलते 50 रुपए लूंगा, तो भाई तुम अल्टीमेट कितना ही प्यार क्यों रहो है ना, तुम 50 वाले भाई जाओगे। ये सच्चाई है। और इंडिया में एक बात बता दूं, फ्री में अगर जहर बट रहा हो ना बाहर तो तब भी लोग रख लेंगे, चल पुड़िया तो ले कभी किसी खिला देंगे। देखे हमने क्या क्या पढ़ लिया आज, चलो उधर मत देखो इधर देखो। हमने पढ़ लिया व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यस हेलो। हमने पढ़ लिया क्या टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, बोलो जरा चार टाइप बता दिए, चारों बता दो फटाफट। पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉर्मेटिव, बोलो पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, माइक्रो और मैक्रो। वाह क्या बात है, तुम तो जीनियस हो गए। अच्छा उसके बाद हमने पढ़ लिया व्हाट इज इकोनॉमी, ठीक है बोलो बच्चा क्लियर। पढ़ लिया इकोनॉमी क्या होता है, अ ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड लिविंग टू देयर पीपल। अच्छा और हमने इसके अंदर पढ़ लिया पांच टाइप की इकोनॉमी, कौन कौन सी बोलो बोलो, सोशलिस्ट क्या बोला करो, चुप मत रहा करो, सोशलिस्ट मिक्स और कैपिटलिस्ट, ये पढ़ लिया। और ओपन और क्लोज, पांच तरीके की इकोनॉमी पढ़ ली, बात क्लियर है। अच्छा हमने पढ़ लिया इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स और उसके पीछे के रीजन, सॉल्यूशन नहीं पढ़ा दिया हमने, बात क्लियर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है। फिर से सुनो बेटा, ओपन इकोनॉमी मतलब ये है मेरे लाल कि हम मान लो ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी क्या हो गई है, ओपन एंड बाहर ट्रेड कर रहे आ रहे हैं ना। क्लोज इकोनॉमी क्या हो गई कि जैसे ही बाहर बेचने आ रहे हो गवर्नमेंट बेचने नहीं दे रही है, तो क्या कहलाएगी बेटा क्लोज इकोनॉमी। बात समझ में आ रही है, क्लोज बोलते रहो। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया पांच बार तो चिल्ला चुका, नॉर्थ कोरिया नहीं पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान तो हमसे ही बहुत सारा ट्रेड करता है, यूएसए से ट्रेड करता है, कई जगह तो कटोरा भी लेके जाता है। नहीं आजकल तो नरसंहार चल रहा है। देखो यहां तक किसी पॉइंट पे डाउट है तो बता दो, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, देखो मैं बार बार पूछ रहा हूँ। और जिनको लग रहा था क्लास में बकैत दे रही बेटा इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ने में ना, अगर हम लिखते जिनको भी लग रहा था ना, तुझे भी बोल ही लेना। देखो बच्चों अपने वो वाले टीचर जो माँ वाला काम करता है, माँ जानते हो छोटे बच्चों को कैसे खिलाती है, बोलती है ये मम्मी का कौर ले खा ले, फिर उसका तो घूम के आता है बोलते है तेरे पापा का ले खा ले। अपना वाला हिसाब है कि चार मजाक करेंगे और तीन कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे जिससे बच्चा कॉन्सेप्ट भी समझ जाए और वो खुश भी रहे, क्योंकि तुम्हें एक दिन नहीं पढ़ना है, अगले 7-8 महीने घिसना है। और किसी की किस्मत बहुत अच्छी थी जो बहुत बोलता है, वो हो सकता है 4-5 महीने घिसे, क्योंकि उससे पहले ही से पता लग जाए हमसे रहा होगा। मैंने तो कुछ बोली नहीं ना अभी तक, मैंने अल्लाह कसम मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने देख हम ना मारते नहीं, हमारे शब्द इतने पावरफुल है तू खुद ही कह देगा। लग रहा है तुझे रीच है, तू अभी तक फील आया मेरी क्लास में तेरे को कि तू रीच है। हो गया खत्म करें आज के लिए कि कुछ और पढ़ोगे थोड़ा। Hope you all enjoy the class. ठीक है ध्यान रखो अपना। और हाँ सुनो तुम लोग हो तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, होप यू ऑल एंजॉय द क्लास एंड सी यू अगेन, बाय बाय टेक केयर। हिंदी में बोलना ना, बाय बच्चों, बाय बाय। मैं जूम पे रोज पढ़ाता हूँ।